जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि और उखीमठ में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन पर रक्षाबंधन और जन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मगर मौसम खराब होने के चलते सीएम धामी का हेली आधे रास्ते से वापस लौट गया और उन्होंने वर्चुअली यहां से मौजूद महिलाओं और जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाइव प्रसारण से महिला बहनों और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों के बीच मौसम की खराबी के कारण नहीं पहुंच सका, मगर आप सभी का स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहा है। वहीं मुख्य अतिथि विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार केदारनाथ क्षेत्र के विकास के लिए लगातार गंभीरता से कार्य कर रही है। तो वहीं भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सैकड़ों बहनें यहां पहुंची थी। बहनों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द सभी बहनों से मिलूंगा। यहां मौजूद बहनों को मिठाई और कंबल वितरित किए गए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया क्योंकि उनका बहुत ही भावनात्मक लगाव जो है वो इस जनपद से रहा है। और पिछली बार आपने देखा जब अगस्तुनी में कार्यक्रम हुआ था तो ऐतिहासिक भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी। उसी बात को देखते हुए उन्होंने इस बार निर्णय लिया था कि राखी का कार्यक्रम अगस्तुनी की अपनी बहनों के बीच में किया जाएगा, लेकिन मौसम की खराबी के चलते दो तीन बार प्रयास करने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहनों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और उन्होंने वर्चुअली जो है बहनों को संबोधित किया है। मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं बहनों की राखी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊं। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी घोषणाएँ इस विधानसभा क्षेत्र के लिए की हैं और इसके अलावा भी हमने ये कोशिश की है कि एक OSD माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के बीच में बना रहेगा। देखिए आज यहाँ पर उन्होंने रक्षाबंधन और जनसंवाद कार्यक्रम रखा हुआ था, बहनों के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम था और जनसंवाद कार्यक्रम था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना था, लेकिन वो श्रीनगर तक आ चुके थे। मौसम खराब की वजह से उनको वापस जाना पड़ा और उन्होंने वर्चुअली माध्यम से अभी हमारी बहनों को अगस्त मुनि के इस हॉल में यहाँ पर सभी को संबोधित किया और यहाँ की कुछ योजनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी उन योजनाओं की घोषणा भी की है।